अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन व्लॉग्स। आज मैं जिस डिवाइस का रिव्यू आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसको कहते हैं OBD डायग्नोस्टिक डिवाइस। इट्स अ वेरी स्मॉल डिवाइस एंड द डिवाइस नंबर इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, ELM327 मिनी। दिस डिवाइस इज अवेलेबल इन ऑनलाइन शॉप्स एज वेल एज ऑन फिजिकल शॉप्स। इससे पहले कि मैं आपको इस डिवाइस का डिटेल्ड रिव्यू दूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपनी फीडबैक, अपनी राय के बारे में हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिए। जी तो नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग इस पर अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और ये डिवाइस जो है ये भी कार से रिलेटेड है। इट्स अ डायग्नोस्टिक डिवाइस। इसका मतलब ये है कि गाड़ी का जितना भी करंट डेटा या करंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको ये प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा अगर गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट हो तो वो भी आपको इस डिवाइस पे नज़र आ जाता है। इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दी हुई है, एक कनेक्टर है, इसको OBD पोर्ट कहते हैं, और इसका फीमेल साइड जो है वो गाड़ी के अंदर अवेलेबल होता है। जितनी भी गाड़ियाँ 2002 के बाद बनती आई हैं उसमें OBD2 पोर्ट कनेक्टर ज़रूर मौजूद होता है। जी तो व्यूअर्स, मेरे पास करोला GLI 2013 मॉडल है, और इस गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी OBD2 पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रही है। बेसिकली इस पोर्ट के अंदर आपने इस डायग्नोस्टिक डिवाइस को कनेक्ट करना है। दूसरी गाड़ियों के अंदर भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसी जगह पे स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा नीचे राइट साइड पे ये पोर्ट अवेलेबल होती है। तो व्यूअर्स, आपने इसको पोर्ट को कनेक्ट करते वक्त, इसके ऊपर डायग्नोस्टिक टूल कनेक्ट करते वक्त इसकी साइड का ख्याल रखना है, यानी कि जिस साइड पे ये लग रहा हो उसी साइड पे इसको आपने इंसर्ट करना है। इस पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी, और देखें कि अभी इसकी लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब है ये पोर्ट में कनेक्ट हो गया। डायग्नोस्टिक डेटा डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएंगी। आप कोई सी भी एप्लीकेशन जो आपको अच्छी लगे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, इनकार डॉक, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर कनेक्शंस में जाएंगे, कनेक्शन में BT कनेक्शन में आपने वो डिवाइस सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी डिवाइस OBD2 के नाम से मौजूद है। उसके बाद आपने कनेक्ट BT वाले बटन को क्लिक करना है, यानी ब्लूटूथ कनेक्शन करना है आपने। अब ये इसका कनेक्शन होना शुरू हो गया, मेरे ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। इट विल टेक इट्स टाइम, और जब कनेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये हमें डेटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, अब कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब है गाड़ी का लाइव डेटा इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो देखते हैं, कुछ सैम्पल डेटा देखते हैं। करंट डेटा में जाएंगे, बेस डेटा चेक करते हैं। बेस डेटा में सबसे पहले मुझे इंजन कूलेंट टेम्परेचर नज़र आ रहा है, उसको चेक करते हैं। ये उसका ग्राफ है, विजिट पर जाके देखेंगे तो इस वक्त 183 डिग्री फॉरेनहाइट चल रहा है। इसके यूनिट्स भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटीग्रेड में डिस्प्ले कर सकते हैं, विच इज़ मोर फेमिलियर टू अस। इसी तरह से RPM चेक करते हैं, ये RPM का ग्राफ है। अगर मैं गाड़ी को थोड़ी रेस दूँ तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर और नीचे जा रहा है। इस वक्त बेसिकली गाड़ी का लाइव डेटा, यानी गाड़ी के जितने RPM चल रहे हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं, गाड़ी को थोड़ी सी रेस दे रहा हूँ, तो RPM ऊपर और नीचे जा रहा है। इसको विजिट के ऊपर देख लेते हैं, ये देखिए, इस वक्त गाड़ी का लाइव डेटा आपके सामने शो हो रहा है, आपका मोबाइल फोन या टैबलेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इस तरह बहुत से दूसरे पैरामीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। व्हीकल स्पीड गाड़ी अभी रुकी तो 0 होगी। मास एयर फ्लो रेट नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। तो अगर मैं ग्राफ देखूँ तो ऊपर से मैं गाड़ी को रेस देता हूँ तो ये ग्राफ ऊपर और नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं गाड़ी को रेस देता हूँ तो थोड़ी पोजीशन ऊपर और नीचे हो रही है। विजिट के ऊपर देखेंगे 20% से 25% और 30% के दरमियान में ये वेरी करेगी। इसी तरह आप इस डिवाइस के अंदर इंजन डायग्नोस्टिक्स में जा सकते हैं। इंजन डायग्नोस्टिक्स
डायग्नोस्टिक में जाकर आप देख सकते हैं अगर कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, अगर इनमें कोई फॉल्ट मौजूद हो तो उसको आप इस डिवाइस के थ्रू क्लियर भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर द रिव्यू ऑफ दिस डिवाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। और इस डिवाइस से मुतल्लिक अगर मज़ीद भी आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।